आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं और अलग अलग और भी तस्वीरें हैं। तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की, तस्वीरें हैं कुल्लू मनाली मंडी के इस क्षेत्र की जहां पर सबसे ज्यादा तबाही मची। व्यास नदी के रौद्र रूप ने सब कुछ अपने आप में जो है समेट लिया, लील लिया। ये वो लोहे के विशाल पुल जिनसे आवाजाही होती थी, जिनसे गाड़ियां भी गुजरती थी, लेकिन वो पुल व्यास नदी और व्यास में व्यास से जुड़ी हुई जो अन्य छोटी छोटी सी नदियां हैं उनमें समा गए। जो विशाल हाईवे का सड़कों का जाल बिछा हुआ, तो सारी की सारी सड़कें जगह जगह पर टूटी हुई हैं और ऐसे लगता है कि अब कई कई हो सकता है संभवतः महीने भर लग जाए सड़कों को बनाने का काम, अब नए सिरे से यहां पर शुरू करना होगा। नीचे उपवंती व्यास है और पूरा कटान, पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे नदी में जा समाई है। ये कुछ तस्वीरें हैं, ड्रोन कैमरे की तस्वीरें भी आप देखिए। नामो निशान एक तरीके से सड़कों का मिटा दिया गया है। नदी के इर्द गिर्द जितना कंस्ट्रक्शन था, जितने होटल्स बने थे, जितने घर बने थे, सबको बड़ा नुकसान पहुंचा है। मनाली से लेकर कुल्लू के बीच में जितने भी पुल थे वो सारे पुल बताया जा रहा है कि टूट गए हैं और हालात क्या है वो आपके सामने है। हम तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बोल रहे हैं। हाईवे टूट जाने की वजह से आप कुल्लू जो मनाली में लोग फंसे हुए उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो नीचे कैसे आए, क्योंकि पैदल और दूसरा संभवतः हेलीकॉप्टर होता है लेकिन वो भी संभव नहीं, तो एकमात्र उनके पास अब ऑप्शन या विकल्प पैदल है नीचे आने का, क्योंकि जगह जगह पर अब सड़क टूट गई, कई जगहों पर तो पैदल मार्ग तक जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो ये हिमाचल में आफत की बारिश, और खतरा तो अभी टला ही नहीं है, अभी बरकरार है।